Hello everyone, this is Dr. Krupa Savda and our today's topic of discussion is Signs of Asphyxia. If you are new to this channel, consider subscribing and sharing. So let us see a classical signs of asphyxia. In that, first one is cyanosis, second one is congestion of organs, third one is petechial hemorrhages, fourth one is pulmonary edema, and fifth one is fluidity of blood. So let us see first one, that is cyanosis. The word cyanosis is derived from Greek means dark blue. So jis cheez ka color dark blue hota hai, usko cyanosis Greek mein bolte hain. Indicates bluish discoloration of skin or mucous membrane. It is more pronounced in the part having abundant capillaries and venous circulation like lip, tip of nose, nail beds, earlobes, टिप ऑफ टंग एटसेट्रा. सो आप जो पिक्चर में देख रहे हैं वो नेल्स है जिसमें साइनोसिस हुआ है. इट मे नॉट बी एविडेंट इन मार्क्ड एनीमिया. अगर एनीमिया है तो वो एविडेंट नहीं होता है. एंड व्हेन डर्मिस इज थिक. सो ये दो कंडीशंस में वो एविडेंट नहीं होता है. साइनोसिस में भी कंफ्यूज विथ पोस्टमार्टम लिविडिटी. साइनोसिस पोस्टमार्टम लिविडिटी से कभी कभी कंफ्यूजन भी हो सकता है. नेक्स्ट वन इज पेटेचियल हेमरेजिस. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दिज आर स्मॉल पॉइंट कलेक्शन ऑफ ब्लड एंड मे वेरी इन साइज फ्रॉम अ टेंथ ऑफ अ मिलीमीटर टू अबाउट 2 मिलीमीटर. इफ लार्जर देन 2 मिलीमीटर दे आर कॉल्ड एज एकिमोसिस. सो अगर वो 2 मिलीमीटर से लार्जर होता है देन दे आर कॉल्ड एज एकिमोसिस. पेटेचियल हेमरेजिस आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइडो स्पॉट्स. But pseudo spots specially refer to petechial hemorrhages occurring in the visceral pleura. So हमने next slide में उसका picture भी आपको बताने के लिए लिया हुआ है. These hemorrhages are caused by acute rise in pulmonary blood pressure. The rise in venous pressure causes overdistension and rupture of thin walled venules. So यहाँ पे ये जो thin walled venules है वहां पे venous pressure राइज होने की वजह से एक डिस्टेंशन होता है एंड रफ्चर होता है एस्पेशली इन लेग्स टिश्यू सच एज आईलिड प्लूरा एंड एपिकार्डियम. सो यहाँ पे हमने दोनों जो पिक्चर दिखाए हैं उसमें ट्राइडल स्पॉट्स आपको दिख रहे हैं सेकंड पिक्चर में एंड इन फर्स्ट पिक्चर यू मे फाइंड पेटेचियल हेमरेजिस. पल्मोनरी इडिमा इज अ कंडीशन वेयर देयर इज एक्सेस ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट इन लंग एंड एल्वेओलाय. सो आप जो नीचे का जो एक्सरे है उसमें आप देख सकते हैं कि फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हुआ है और फ्लूइड के एक्यूमुलेशन की वजह से एक लार्जनिंग हुआ है और जो दोनों जो लंग्स दिख रहे हैं वो लार्ज हो गए हैं. द फ्लूइड एक्यूमुलेट्स ड्यू टू रेज्ड पल्मोनरी वेसल प्रेशर एसोसिएटेड विद एनोक्सिया. कंजेशन ऑफ ऑर्गन्स. जैसा कि हमने मैकेनिज्म ऑफ एस्पेक्सिया में देखा hypoxia causes decreased oxygen tension in blood with increased reduction of hemoglobin with capillary dilatation engorgement and stasis of blood. So ye stasis of blood hone ki wajah se in capillaries causes congestion of organs. Ye stasis hone ki wajah se congestion hota hai. Fluidity of blood. In past fluidity was considered as a marker of asphyxia. पहले ये फ्लूइडिटी है वो मार्कर के तौर पे देखी जाती थी कंसीडर की जाती थी. इट वाज थॉट दैट एनोक्सिया हाइपोक्सिया कॉजेस रिलीज ऑफ फाइब्रिनोलाइसिन. सो यहाँ पे फाइब्रिनोलाइसिन का रिलीज होता है एंजाइम का रिलीज होता है फ्रॉम वेसल वॉल. दिस एंजाइम कॉज्ड फ्लूइडिटी ऑफ ब्लड. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल क्लिक बेल आइकॉन एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो अमंगस्ट योर फ्रेंड्स. थैंक यू.